जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, 6 जुलाई 2022। और सबसे पहले मैं आपको SGX निफ्टी दिखा देता हूँ, जो कि है 58 पॉइंट प्लस है, 824 पे, 15824। और अभी टाइम हुई है 7:38, 7:38 AM। और आज का इम्पोर्टेंट व्यू मैं स्टार्ट करता हूँ। कल शाम को वीडियो नहीं बनाया था, कल कोई 3:30 के बाद बनाने का था, लेकिन नहीं बना पाया था क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे ऐसे, जिनके साथ पूरा ही टाइम बीत गया मेरा। और चलिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। वैसे भी अभी तो मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले आपको मेरा व्यू मिल जाएगा। तो कल एक बेहद उठा पटक वाला दिन रहा। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, कृपया करके आपके कितने भी इम्पोर्टेंट काम हो या तो इसको देखिए मत, अगर देखते हो तो पूरा देखिएगा, ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं तो स्किप करके देखूँगा, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं कोई आपको ऐसा ऐड नहीं डालता हूँ कि मेरी ये टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी वो ग्रुप है, वहाँ आके ज्वाइन कर लो। मैं कभी बोलता हूँ कि मेरी ये सर्विसेज है, वो सर्विसेज है, वहाँ आप एक भी वीडियो छान के देख लो। सिर्फ मैं बोलता हूँ मेरी क्लासेस के लिए, और क्लासेस के लिए भी कोई कंपल्सन नहीं है सीखना, क्योंकि 3 महीने की क्लासेस है। 3 महीने में भी सैटरडे एंड संडे 2-2 घंटे की क्लास होती है, लेकिन जब मेरी क्लास आती तो मैं कभी कभी एक संडे को ही 4 घंटा कर देता हूँ, सैटरडे ऑफ रख लेता हूँ। तो आपको अभी भी ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है सैटरडे एंड संडे की, वो भी सागर सर की, जो बेसिक्स क्लास है, और उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया था। तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो 30,000 रुपये की फ़ीस है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो अभी के बैच में, जो अभी जुलाई से सितंबर का बैच है, उसमें सिर्फ अभी तक एक ही क्लास हुई है सैटरडे एंड संडे की, 2 क्लास हो गई सॉरी सागर सर की। एक तो इंट्रोडक्शन रहता है एक दिन, और दूसरे दिन कैंडल स्टिक की शुरुआत की होगी, तो वो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप कैरी ऑन कर सकते हो 30,000 रुपये। क्योंकि आने वाली जो अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होगी वो 40,000 में स्टार्ट होगी। तो मेरी क्लासेस आपको 2 महीने मिलती है, और 1 महीना मेरा असिस्टेंट है सागर सर, वो बेसिक्स मैक्सिमम कवर करते हैं उसमें, और फिर मैं स्ट्रेटेजीज, एडवांस चीज़ें काफ़ी कवर करता हूँ, जो किसी दुनिया की किसी किताब में नहीं है, और ना कभी आपने सुना होगा, वैसी चीज़ें सीखने की। अब कल आप पूछ सकते हो कि सर कल आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिया, तो वो भी मेरी एक स्टडी का पार्ट है, जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखाती। मैं स्क्रीन रीडिंग जैसी एक चीज़ सिखाता हूँ, जो मेरी इन्वेंशन है, मेरी डिस्कवरी है। आप स्क्रीन को देखते हुए भी समझ सकते हो कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स सेट किए, वो सिखाता हूँ। तो और बहुत चीज़ें जो आपको कभी स्टॉक मार्केट में सुनाई नहीं थी। तो अभी भी मौका 30,000 रुपये डाल के, क्योंकि अब सैटरडे एंड संडे को क्लास स्टार्ट होगी, और मेरी क्लासेस तो वैसे भी अगस्त से स्टार्ट होगी, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। तो यू कैन स्टिल ज्वाइन, और उसके बाद वाली जो अक्टूबर से स्टार्ट होगी उसमें फीस 40,000 रहेगी, कोई डिस्काउंट किसी को नहीं मिलेगा। तो अब आ जाइए थोड़ा सा, मतलब ये मेरा घर चलाने के लिए, मैं किसी को बाउंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोई भी सर्विसेज का कभी कोई ना कभी कोई ज्वाइन बटन लगाया, जबकि अगर जो मैं करके दिखाता हूँ वैसा कोई और कर देना तो वो तो बोल देगा, वो वर्ल्ड को अपने आप को वर्ल्ड का ग्रेट मान लेगा, क्लेम करेगा कि देखो मैंने ऐसा कर। और मैंने कई बार दिखाया आपको, कई बार, हजारों बार दिखा दिया कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। एनीवे, आज का मार्केट की बात करते हैं। कल एक धमाकेदार दिन रहा। कल आप देखो तो अमेरिकन मार्केट 750 पॉइंट का गोता लगा दिया, 750 पॉइंट्स गिर के, फिर आखिरी में जब बंद हुआ तो 130-140 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो आप उसको नेग्लिजिबल फॉल मान सकते हो, क्योंकि इतना गिरने के बाद 600 पॉइंट का बाउंस बैक करना बहुत बड़ी बात होती है। 750 पॉइंट एक स्तर पे डाउन था अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स, जो कि 130 पॉइंट बंद हुआ, तो ये एक पॉजिटिव है। और जब हमारा मार्केट कल 3:30 बजे बंद हो रहा था, तब भी अमेरिकन मार्केट
300 पॉइंट के करीब डाउन था, तो वहाँ से तो पॉजिटिव हुआ, 250-300 के करीब डाउन था 3:30 बजे, तो वहाँ से भी अब 130 ही माइनस बंद किया, तो एक थोड़ा सा हम पॉजिटिव एंड देते हैं आज के दिन को। अब दूसरी बात है जी, कल एक और बड़ा पॉजिटिव हमारी कंट्री के लिए क्या हुआ कि क्रूड एक बार 10% एक ही दिन में गिर गया, 10%, 111 का क्रूड $100 पे आ गया, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट में को ठीक करने के लिए क्रूड का गिरना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि जब जब हमको क्रूड खरीदना पड़ता है, हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, और ऑलरेडी FIs जम के डॉलर निकाल रही है हमारी मार्केट से, तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसको कंटेन करना है तो क्रूड के प्राइसेस कम होते जाए, तो हमको कम डॉलर में पेमेंट करना पड़े, है ना। हमारा रुपया मजबूत नहीं है, ये एक बैकवर्ड पॉइंट, कल रुपया 79.37 पे बंद हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है, ऑल टाइम लो पे क्लोजिंग है, लो बोलना चाहिए इसको, हाई की जगह, क्योंकि रुपया वीक मतलब ये लो, रुपये की वैल्यू बढ़ना मतलब रुपया डॉलर के अगेंस्ट 79 के ऊपर जाना मतलब हमारा रुपया वीक हो रहा है, यहाँ ऊपर जाने से वीक होने का तर्क है, तो हमारा रुपया कल बहुत ही वीक है, तो ये एक सेंटीमेंट हमारा बिगाड़ने का काम करेगा। सेंटीमेंट तो कल बिगड़ ही गए, आपने देखा कि 16,025-30 जाके मार्केट 15,810 पे बंद करता है और 780 तक जाता है, नीचे फिसल जाता है, तो ये अपने आप में एक कमाल होता है। अब आज कल सोना चांदी यानी कि बुलियंस जिसको बोलते हैं, सोना चांदी में भी भरपूर गिरावट हुई। मेरे चांदी वाले क्लाइंट को तो मैंने कल ऐसा दावा ठोक के लिखा था, 58,800 चल रहा था चांदी, और मैंने वहाँ क्या लिखा, इसके बाप को भी, ये मेरे वर्ड्स है दोपहर को सुबह के 11 बजे के 58,800 के टाइम पे, ये मेरे वर्ड्स है मेरे पर्सनल फॉलोअर्स को कि चांदी का बाप भी 57,300 के नीचे आएगा रात को, वो मैंने सुबह ही लिख दिया, वो भी मेरी रीडिंग थी, और वो 57,000 के भी नीचे चला गया, 2,000 पॉइंट की टारगेट दिया था, तो वो भी मेरा राइट हुआ। कल का दिन मेरे लिए बहुत, और कल बहुत ही गिरावट कॉपर में भी, मेटल में जो कॉपर है उसमें भी बड़ी गिरावट हुई, एनर्जी में क्रूड में 10% की गिरावट हुई, और बुलियन में सोना चांदी में भी जबरदस्त, मतलब पूरी तरह से गिरावट छाई हुई थी। लेकिन इन गिरावट से एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ गया था वो कम हो रहा है अमेरिका में, ये संकेत मिलने लग गए हैं, तो हो सकता है जो 26 तारीख को FOMC की मीट है रेट हाइक के लिए अमेरिका में 26 जुलाई को, उसमें थोड़ा सा लीनियंट होकर 50 बेसिस पॉइंट ही हाइक करे, जो कि 75 और 1 की बातें चल रही है, ठीक है, 0.75 और 1, तो 0.50 करे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये सब तो 26 तारीख की बात है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में लाना चाहता था, इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो हमेशा रहती है। अब आ जाइए आज का मार्केट कैसा अप्रोच करना है, क्या करना है। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, वीकली ऑप्शन चेन को, तो वहाँ 15,900 पे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, 15,900 पे, और 15,700 पे बड़ी सपोर्ट बन के आया, 700 और 900, ये दो जोन है 700-900 का, जिस तरफ टूटे उस तरफ का मार्केट होने के चांसेस आज बेटर है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कल की जो, और मैंने आप लोग को याद है मंडे को जो तेज़ी हुई थी, तो मैंने क्या बोला, ये तेज़ी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, आपने सुना होगा, मैंने क्या बोला, ये तेज़ी नकली लग रही है मुझे, मंडे को US मार्केट बंद था, हमारी मार्केट ने मस्त तेज़ी कर ली थी जबकि वीक दिखा रहा था, तो मैं बोला था ये बर्दाश्त नहीं, एक बार तो यहाँ लाना पड़ेगा, तो कल ला के दिखा दिया, क्योंकि मंडे का हाई था फ्राइडे का हाई था 793 फ्राइडे का, तो फ्राइडे के हाई के नीचे का लो बना दिया हमने, तो वापस वहाँ ला के दिखा दिया, ये मेरा चैलेंज था वहाँ लाएगा, ये आपको मंडे की बातें याद आ जाएगी, देखोगे वीडियो देखा हुआ था, तो मैंने बोला ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं था तो उसको वहाँ आना था, अब हो सकता है वहाँ 750 पे सपोर्ट ले ले, तो आज अगर मैं बाई करने के अगर सोचूंगा
तो मैं 750 एक ऐसा जगह है जहाँ मैं डेफिनेटली एक बार बाई करूँगा, लेकिन बहुत सतर्क रह के बाई करूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस वही है कि 700 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, क्योंकि 700 पे ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं 680 मेरा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लिख लूँगा, जबकि लो था फ्राइडे का 661। मैं इतना इंतज़ार नहीं करूँगा, 680 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो रहा है तो मैं लॉन्ग्स जो आज क्रिएट करूँगा अगर 750 पे, तो उनको भी काट के मैं शॉर्ट में चले जाऊँगा। बात को ध्यान से सुनना, मैं लॉन्ग्स आज कब क्रिएट करूँगा, जब मुझे 750 के नज़दीक मिले या फिर 925 क्रॉस हो जाए तब क्रिएट करूँगा लॉन्ग्स क्रिएट, शॉर्ट नहीं क्रिएट करूँगा। आज लॉन्ग्स कब क्रिएट करूँगा, या तो 750 के नज़दीक मिले या 925 टूटे, बीच में मैं आज घोचा नहीं करूँगा इस मार्केट को, क्योंकि देखिए ये मार्केट अब ऐसा नहीं कि आप 10 दिनों का कॉल लेके बैठ जाओ, 10 दिन का, आपको एवरी डे यू हैव टू एक्ट। एंड अगर आप ट्रेडर हो तो आज आपको मैं गुरु मंत्र देता हूँ, अंटिल एंड अनलेस यू आर फ्लेक्सिबल यू कैनॉट गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे ही आपको लगता है कि यार ये तो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो अपना रास्ता चेंज करके उस रास्ते पे बैठ जाओ। उस उतना करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए दोस्तों, बहुत बड़ा दिल चाहिए, वो सबसे नहीं होता। वो क्या करता है, अगर आपने गलत रास्ते पे कॉल बाई कर लिया तो आप जो कॉल आपने 150 पे बाई किया, जब वो 110 आता तो आप एवरेज करते हो, आप वो नहीं करते कि उससे निकल के मैं पुट ले लूँ, वहाँ पे लॉस बुक कर लूँ 40 पॉइंट का और पुट में बैठ जाऊँ, क्योंकि डायरेक्शन मेरा अगेंस्ट जा रहा है। वो फ्लेक्सिबिलिटी जिस दिन आप में फास्ट आ गई, एंड यू अगर आपने लॉस को जल्दी कट करना सीख लिया उस दिन आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो, वरना आप पूरी ज़िंदगी बिता लो, आप अपना घर बेच दोगे, अपनी प्रॉपर्टी बेच दोगे, आप अपने घर के गहने बेच दोगे, लेकिन आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। हर महीने आप सिर्फ पैसे दोगे स्टॉक मार्केट को, ये मेरा गुरु मंत्र है, आज नोट कर लीजिएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी, और अभी तो मार्केट ऐसा ही चल रहा है, यहाँ ट्रेंड तो कुछ है ही नहीं, ऊपर जाता है अचानक 200 पॉइंट का झटका मिल जाता है आपको, आप शाम को तेज़ी से बंद होता है अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है, शाम को मंदी से बंद होता है मार्केट अगले दिन गैप अप खुल जाता है, तो आप क्या लोगे, कॉल की पुट, यहाँ तो दोनों को चला रहे हो। तो जब तक मार्केट ऐसा चल रहा है आपको फ्लेक्सिबिलिटी में विश्वास रखना पड़ेगा। आप 17,000 का 18,000 का कॉल लेके बैठ नहीं सकते हो, अगर लेते हो तो दो दो महीने के दूर के लो, ताकि आपको रोज टेंशन नहीं दे, और हर वक्त एवरेज मत करो उसको। अगर आपने 100 में लिया 60 आ गया, एवरेज मत करो, इंतजार करो कि जब 60 से वापस 80 जा रहा तब एवरेज करो। आप क्या करते हैं, 100 का 60 आ गया एवरेज कर रहे हो, 60 का 40 आ गया फिर एवरेज कर रहे हो, 20 आ गया एवरेज कर रहे हो, 10 आया बेच दे भैया, लॉस में बेच दे। तो ये आप, जबकि अगर आपने 100 का दो महीने आगे का अगर 100 रुपये में कोई कॉल लिया है, तो अगर वो 60 आ गया है तो कुछ मत करो, जिस दिन आपको 60 के जगह वापस 80 होते हुए दिखे तब उसको एवरेज करने की कोशिश करो, यानी कि अब तुम्हारे फेवर की गाड़ी स्टार्ट हुई। तो ये सब कुछ टेक्निक्स होती है खेलने की। मैं वो राइटिंग में विश्वास नहीं करता हूँ, लोग बोलते हैं राइटिंग में पैसा कमाते हैं, और मैं मानता भी हूँ, क्योंकि टाइम डीके का उनको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, उसमें उनकी कोई चालाकी नहीं है, सिर्फ टाइम डीके, क्योंकि हर दिन में ऑप्शन के प्रीमियम घटते हैं बिकॉज ऑफ टाइम डीके। टाइम डीके मतलब होता है कि जैसे आपको 20 दिन के लिए ऑप्शन खेलने मिला, एक दिन घट गया तो वो एक दिन के प्राइस में भी फैक्टर करता है, ठीक है। तो ओवरऑल आज का मेरा मानना है कि मैं आज थोड़ा सा बुलिश साइड में रहूँगा, लेकिन 750 के आसपास मुझे मार्केट मिले तो मैं पकड़ूँगा। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था 15988 इस जो टोटल फॉल हुई थी 16793 से, नोट कर लीजिएगा 16793 से 15183 की जो फॉल हुई थी 1610 पॉइंट की, उसका 50% निकाल लीजिए, 50% निकाल लीजिए, उसको 15183 में ऐड करिए तो फिगर आएगा आपका 15,988। तो मैंने बोला जब तक मार्केट 15,988 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक
16 178 जो मैंने टारगेट दिया था, जो 61.8% होता है वो अचीव नहीं हो सकता, 61.8%। तो 50% जो था रिट्रेसमेंट का वो था 15988। तो कल मार्केट उसके ऊपर गया लेकिन क्लोज कहाँ किया, 810 पे क्लोज किया, बल्कि माइनस में क्लोज किया। परसों 835 की क्लोज थी, मुझे कितने फिगर याद रहते, आप कैन यू बिलीव दिस। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज थोड़ा सा बुलिश साइड में हूँ लेकिन आई बाई अराउंड 750 और मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस 680। आज के लिए इतना ही, और अगर उसके 750 नहीं आके पहले 900 को क्रॉस कर दे तो मैं वहाँ पे भी एक सौदा लूँगा, क्योंकि 900 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर ऐसे लंबा खंबा बना के बैठा है, ठीक है, वहाँ पुट राइटर ऐसे बोने से दिख रहे हैं, ठीक है, 15900 पे, और 15700 पे पुट राइटर ऐसा खंबा बना के खड़े और कॉल राइटर बोना बन गए। तो 700 सपोर्ट है, 900 रेजिस्टेंस है, गाड़ी किस तरफ जाती है डिपेंड्स, और गाड़ी इन दोनों के बीच में घूमती तो कोई मतलब नहीं है, कभी आपकी कभी मेरी कभी, तो वैसे ट्रेड्स लेने में फ़ायदा नहीं। वैन यू, और आज रिलायंस शायद गिर सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल कल 10% गिरा और रिलायंस वैसे ही बैंड बजी हुई है उसकी, तो उसको एक बार 2300 के तरफ जाना है, 2310 मेरा टारगेट आता है और 2250 भी आता है टारगेट, लेकिन 2320-30 तक तो मैं पक्का देख रहा हूँ उसको। तो मुझे लगता है आज रिलायंस का गिरने का दिन है, क्योंकि कल जो उसको बचा रखा था क्रूड ने वो भी कल अच्छी तरह से धुलाई हो गई उसकी। तो रिलायंस 3 दिन से थोड़ा सा रेजिलिएंट दिखा रहा था ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन अपना 200 EMA जब तक वो क्लोज उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, उसका 200 EMA रिलायंस का 2475 के आसपास, उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक रिलायंस इज ए सेल ऑन राइज। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं काफ़ी बक चुका हूँ, मतलब बोल चुका हूँ, फिर भी अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है जस्ट व्हाट्सअप करिएगा मुझे 9635476788 पे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी सेल्फी फ़ोटो। बहुत लोग मुझे बोलते सर मुझे ये सर्विस, मैंने 5 लाख गंवा दिए, मैंने 3 लाख गंवा दिए, आप बचा लीजिए मुझे एक सर्विस। सर्विस लेने मत आइए, पहले सीखने आइए, सीख लोगे तो आपको प्रमोद जैन की दरकार नहीं पड़ेगी, किसी की भी दरकार पड़ेगी आपको, मेरी क्या किसी की भी दरकार नहीं पड़ेगी, अगर आप सीखने में 3 महीना फोकस डाल दो। आप 2 साल से खेल रहे हो जुआ लेकिन हर रोज़ हारते हो और हर रोज़ घर में भी झगड़ा करते हो, तो उससे अच्छा सीख लो 3 महीना, और उसमें भी आपका टाइम का ख़राब कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे रात को लेते हैं क्लास 2 घंटे की, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स मिलती है। सपोज़ आप सैटरडे को बीवी को लेके मूवी चले गए, बच्चों को लेके होटल चले गए, तो भी आपका क्लास मिस नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे यू आर गेटिंग द एंटायर रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। हाँ, आपसे हम लोग एक चीज़ लिखवाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग्स आप दुनिया में किसी शख्स को शेयर नहीं कर सकते हो, अगर करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस होंगे, ये आपको राइटिंग में हमको देना पड़ता है बिफोर अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। दैट्स इट, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। बाकी दिन के दौरान अगर कुछ रहा आई विल डेफिनेटली अपडेट, सो लव यू ऑल। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं और ये मेरा गुस्सा बढ़ा देता है, और उस गुस्सा बढ़ने से मेरा बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है तो मैं बीमार हो जाता हूँ, और अगर मैं बीमार हो गया तो आपको भी तकलीफ थोड़ी सी होगी। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।